साइज के मामले में देखा जाए हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हुआ है, जो कि 2014 में दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में था, यानी 10वें स्थान पर था। आज दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया, और मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, उन्होंने कहा है, मॉर्गन स्टेनले ने कहा, फर्म ने कहा, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते, यानी आज के लगभग 3 साल के बाद, यही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो। और दुनिया की अन्य सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल अथवा इकोनॉमिक फर्म्स हैं, उनके नामों की चर्चा बहुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब लोग यह कहते हैं कि 2075 आते आते, 2080 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में नंबर 1 की कंट्री है। यह भारत के बारे में धारणा बनी है, और यह धारणा जो बनी है, धारणा बनाई नहीं गई है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो कुछ भी भारत में इस समय हो रहा है, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके कारण यह धारणा बनी है। ग्लोबल टाइम्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह तो एक प्रकार से चाइना का माउथपीस है। सामान्यतः गवर्नमेंट जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता है। एक वहां के माने जाने राइटर, शायद नाम गलती हो सकती है, जैंग जोड़ियांग या कुछ ऐसे ही नाम है उनका, उन्होंने एक आर्टी लिखी, लिखा है कि व्हाट आई फील अबाउट भारत नैरेटिव इन इंडिया। यह आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था, उसमें एक ड्रेस्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव। चाइना गवर्नमेंट भी यह मानती है कि भारत में इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं, उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है, यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, जो कि जो है चाइनीज गवर्नमेंट का यह बहुत ही पेपर है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को भी, चाइना को के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं है, लेकिन हम तो सबके साथ ठीक करना चाहते हैं। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ यह होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। यह भारत के बारे में धारणा।